आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। सन्मित्रबंध कोऑपरेटिव बैंक का मैं चेयरमैन हूँ। सन्मित्र बैंक के जो बोरोवर्स हैं उनके लिए हम बिजनेस सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कोचिंग्स लेते हैं। उसके अंतर्गत ही मैं आज आपको बताने वाला हूँ कोर पर्पस एंड कोर वैल्यूज। इसके बारे में कोई भी संस्था या कंपनी रहती है तो उसकी जो विचारधारा है उसमें दो भिन्न भाग अंतर्भूत किए जाते हैं, और एक है उसका कोर पर्पस, मतलब जीने का कारण, जीने का उद्देश्य, रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस, और नंबर दो कोर वैल्यूज, इसका मतलब सिद्धांत, आदर्श, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस। कौन से वैल्यूज के ऊपर कंपनी खड़ी रहेगी, क्या नीतियों के ऊपर कंपनी खड़ी रहेगी, कौन से नीति नियमों का पालन करेंगी कंपनी। क्या होता है कि जब कंपनी खड़ी होती है तो कंपनी कैसे खड़ी होती है, कुछ लोग, उनको ऐसा लगता है कि भाई हमने इकट्ठा आना चाहिए, हमको जो साध्य करना है, हमारे दिमाग में जो पर्पस है, जो उद्दिष्ट है, संस्था कोई भी खड़ी होती तो कि भाई हमको वो साध्य करना है, हमको पाना है, मिलाना है, तो हम अकेले अकेले नहीं कर सकते, इसलिए लोग आते हैं। या कोई एक आदमी है वो सोचता है कि मुझे ऐसी ऐसा कुछ पर्पस हासिल करना है, उसको मालूम है कि मैं अकेला नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या करता है, वो कंपनी तैयार करता है, उसमें लोगों को लाता है, और लोगों को लाके उनका कोऑपरेशन, उनका सब सहयोग, ये सब लेके कंपनी खड़ी करके और वो जो हासिल करना चाहता है वो हासिल करता है। लोगों के क्या लगता है कि भाई कंपनी खड़ी की है, खड़ी संस्था है तो लोग बस बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ लो, महंगे कपड़े पहनो, बहुत चैन के जो चीज़ें वो लाओ और बहुत खर्चे करो, ऐश आराम करो, इसलिए कंपनी खड़ी होती है। नहीं, कंपनी उसके लिए कभी खड़ी नहीं होती। कंपनी का उद्देश्य रहता है कि लोगों के जीवन में कौन सा फर्क लाना, लोगों के जीवन में क्या करना है, तो पर्पस क्या है, जीने का उद्देश्य क्या है कंपनी का, कंपनी क्यों है, उसके लिए मतलब वो तैयार करती है कारण, और वो कारण के लिए कंपनी जीती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना है और बहुत पैसे कमाना है और बहुत मजा करना है इसलिए कंपनी है, ऐसा नहीं रहता। कंपनी का जो उद्देश्य रहता है, पर्पस रहता है, वो कभी भी हासिल न होने वाला होता है, मतलब इतना बड़ा होता है कि शायद वो कभी, कंपनी जब तक है तब तक शायद वो हासिल नहीं होगा। मतलब कंपनी 100 साल है, 2 साल, 200 साल है, तभी भी वो पर्पस जो है वो हासिल नहीं होगा, मतलब इतना बड़ा पर्पस रहता है। ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल में कंपनी बंद करना है, वो थोड़ी का पर्पस है। अभी हम जब कुछ बड़ी कंपनियों के जब पर्पस देखते हैं तो आपको दिखेगा कि काफ़ी बड़ा पर्पस लेके कंपनियां तैयार किया, तो उसमें से मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उनका था या उनका है टू हेल्प पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। नाइकी का है टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ कॉम्पिटिशन, विनिंग एंड क्रशिंग कॉम्पिटिटर्स। या सोनी है, सोनी कंपनी, उसका है कोर पर्पस टू एक्सपीरियंस द शेयर जॉय ऑफ एडवांसिंग एंड अप्लाइंग टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। गूगल का है टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। वॉलमार्ट टू गिव ऑर्डिनरी फोक्स द चांस टू बाय द सेम थिंग्स एज रिच पीपल। तो ऐसे अलग अलग उद्देश्य रहते हैं। हमारे जो साइकेट्री हॉस्पिटल है मेरा, उसमें हमने ये लिखा है, हमारा पर्पस हमने तैयार किया है कि भाई सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। हमारे बैंक के लिए हमने ये किया हुआ है कि भाई सभी लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाए और सबके लिए बहुत पैसा रहे कि वो उनको बहुत पैसे से आज़ादी मिल सके। तो इस तरह से उद्देश्य हमारा जो सिटी हॉस्पिटल है, क्रिटिकल केयर सेंटर, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर टू ऑर्डिनरी पीपल विल बी अवेलेबल एट विदर्भ रीजन। तो हमारा ये ऐसा प्रमुख उद्देश्य है कि जिसके लिए हम काम करते रहते हैं। तो ये सब लोग मिलके इकट्ठा आते हैं, अपना पर्पस बनाते हैं और पर्पस के लिए काम करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।